क्योंकि वो जो इमाम है वही कुरान है, और जो कुरान है वही इमाम है। खलीफा वक्त ने इब्ने अब्बास से बोला कि तुम हर वक्त मौला अली की तारीफें करते हो। बोला मैं तो कुरान की आयतों की तिलावत करता हूं, मैं कुरान के लेकिन ये कुरान पैवस्त उसी के वजूद में हुआ जो समझ पाया अपने वक्त के इमाम को, वरना कारी तो बहुत थे, मगर वो कारी जिसने सर नेजे पर भी कुरान की तिलावत की, असली कारी है। जिक्र इलाही है, कलाम इलाही है, कलाम इलाही। हम नहीं चाहते कि खुदा हमसे बातें करे, हम नहीं चाहते। अगर चाहते हैं कि खुदा आपसे बातें करे, कुरान पढ़े। कितना हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम की रील सब देख रहे हैं, दुनिया जान कितना देखते हैं, आप खुद सोचे। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं वैसे तो, अब तो आपका मोबाइल आपको बता देता है कि कितनी देर आपने स्क्रीन खोली, कितनी देर आपने यूट्यूब यूज की है, कि सब आपको बता देता है। खुद उसको कंपेयर करें अपने साथ कि कितना मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा काम करते, अच्छे काम करते होंगे, पढ़ते होंगे, सारे काम करते हैं, लेकिन आप देखें कि कितना दुनिया का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और कितना खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, कहाँ है। फिर आप कहते हैं माशरा सही नहीं हो रहा, फिर आप कहते हैं माशरे में मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, लोग इमाम को नहीं, कैसे इमाम को पहचानेंगे। वो चीज जो आज मौजूद है, वो चीज जो गैबत के पर्दे में है, इमाम जब तशरीफ लाएंगे तो कौन सी चीज को हाकिम करेंगे, कौन सी चीज की हुकूमत होगी। मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम नहजुल बलागा में जहां अपने असहाब को याद करते हैं, इमाम ने इज़हार शिकवा भी किया, गिला भी किया उन लोगों से जिन्होंने इमाम को पहचाना नहीं और इमाम को छोड़ दिया दूर, वहीं पर इमाम जो है वो अपने असहाब को भी याद करते हैं जो इमाम के साहबी हैं, और इस शिद्दत याद इतनी है, इमाम ने इतनी उसके साथ याद किया है कि नहजुल बलागा में बयान है कि इमाम ने अपने उंगलियों को दांतों में दबाया है, कहाँ हैं वो जो ऐसे थे। फिर इमाम ने नाम लिया है बास ऐना अम्मार, अम्मार कहाँ है। फिर इमाम ने उनकी खसूसियात बताई हैं, हम चाहते हैं कि हम उन जैसे तो नहीं हो सकते जाहिर है, लेकिन उसकी सफ में तो शामिल हो सकते हैं। वहां इमाम ने एक सिफत ये बताई है कि ये वो है जो कुरान की तिलावत करते थे और उस पर अमल करते थे, तिलावत। अब तिलावत क्या है, मिसाल के तौर पर बहुत सारी कुरान की आयत है, कुरान की एक आयत है कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। अब ये पढ़े और इस पर अमल कैसे करें, क्या जब हम जिंदगी में परेशान मुश्किल होते हैं अल्लाह का जिक्र इत्मीनान देता है। इन्नल्लाह मास साबरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। लेकिन क्या जिंदगी में मैं सबर करता हूं। इन्नमाल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। खूब ये अलम या आलम बे अन्नल्लाह यारा, मगर तुम नहीं जानते कि खुदा तुम्हें देख रहा है, वो कुरान की आयत है। तो क्या प्रैक्टिकली ये मेरे जहन में है कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा देख रहा है।
हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके।